वेलकम टू पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट। और आज की जर्नी में हम लोग ईस्ट की साइड जा रहे हैं, जहाँ पर हमें ग्रास टाइप जिम को चैलेंज करना है। लेकिन उससे पहले हम टाइटन को सोच रहे डिफीट कर लेंगे। यहाँ पे एक टाइटन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइटन को डिफीट कर लूँगा। लेकिन भाई मैंने सोचा इस पोकेबॉल को मैं जंप करके ले सकता हूँ, लेकिन भाई हमारी अभी वो नहीं हुआ है, पावर नहीं अभी तक। मतलब भाई केव है भाई, कैसा केव मतलब कि चेक करके आते हैं यहाँ पर। भाई थोड़ा सा लैग रेंडर होने में किया था भाई। और यहाँ पर भाई एक और किया भाई, चलो अंदर देख के जाते हैं भाई इसमें क्या है। भाई मुझे तो एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आपको भी मज़ा आता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भाई मैं थोड़ा सा अंदर और मैं जा रहा हूँ भाई। भाई मुझे को लगा ये भाई फंस गया भाई, लेकिन बच गया भाई। यहाँ पर भाई हम लोग कहीं और आगे लगता है भाई, देख सकते हैं भाई हमारा सिचुएशन जो पहले भाई उस साइड था, हम लोग इस साइड आ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे आगे भाई। यहाँ भाई एक क्वेश्चन था भाई, एक पोकेबॉल भी है, उसको ले लेते हैं भाई। ले ले भाई पोकेबॉल ले ले, और यही ले ले ठीक है। इसमें उसमें रिवाइव था भाई, पता नहीं रिवाइव का क्या एबिलिटी होती मुझे नहीं पता भाई। चढ़ जा भाई, भाई बहुत बेकार जंप कर रहा है भाई, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा है भाई इस पर। भाई नीचे चलते हैं भाई। भाई ये कैसा पोकेबॉल है भाई, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेबॉल लग रहा है भाई। इतनी सी साइज जाता है भाई, मैं सोचता उसको कैच करते भाई, देखते हैं क्या होता है। मुझे भाई मांगता भाई इसको पकड़ने का, बस भाई इसका लेवल ज़्यादा ना भाई, मेरे पोकेमोन तो भाई मर जाएंगे भाई। इसको लगता है क्वैक्सली को, शायद ये उसको अच्छा खासा डैमेज दे पाए। भाई चलो इससे फाइट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है भाई। मैं उसको स्टार्टिंग गेम में देखा था भाई, भाई इसके इतना पैर मोटे मोटे भाई है, पता नहीं डैमेज करेगा कि वो भी 25 लगा भाई, बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा भाई हमने जिम को डिफीट कर लिया, तो भाई हम लोग नहीं कैच कर पाते हैं। भाई टेस्ट लाइज करते हैं, विंग अटैक करते हैं भाई, शायद से ये डिफीट हो जाए भाई। मुझे तो नहीं पता भाई होगा कि नहीं, क्योंकि भाई उसका लेवल मुझसे 9 टाइम ज़्यादा भाई, ऊपर से उसका हेल्थ भी ज़्यादा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि उसका साइज और डिफेंस भी ज़्यादा होगा भाई। पता नहीं क्या होगा भाई, साथ से मैं पता नहीं मार पाऊंगा कि मतलब पकड़ पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होने वाला है भाई। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है भाई, मैं इसको बार भूल जाता हूँ, इसका नाम क्या है भाई मैं भूल जाता हूँ। ये भाई बल्क अप कर रहा है भाई, इससे क्या होगा इसका भाई, बल्क अप से क्या भाई इसका अटैक रोज भी भाई ओके, आगे बता क्या रोते रोज है, डिफेंस भाई सब भाई बढ़ गया भाई इसका तो। ये तो बल्क अप खतरनाक अटैक है भाई। भाई मैंने भाई लग गए भाई, लग गए हमारे पोकेमोन के लग गए भाई, ख़त्म भाई। चलो भाई एक चांस लेते हैं भाई, साथ से थोड़ा सा और डैमेज दे देंगे, फिर उसका पोकेबॉल मारेंगे भाई। फोर्स पालम भाई बच जा, ले लग गया, लगा दी भाई ये बच्चे, इस बच्चे का भी खेल करता भाई। टेस्ट लाइज में भाई मार दिया भाई, डिफेंस वेंस सब भाई खत्म भाई इसका, लग गया भाई, लगा दिया भाई इसमें मेरे। अब मैं सोचता भाई मुझे तो चाहिए भाई, मुझे सब मरवा दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए भाई। चल नेक्स्ट पोकेमॉन चूज कर भाई, बेकार पोकेमॉन चूज करते भाई। इसको पर सीनिक्स, इसको पेटिलिल या सीनिक्स, नकली को नहीं चूज करेंगे यार, और पेटिलिल को करते हैं ठीक है ना। पेटिलिल पता नहीं काम इससे भाई, ग्रास टाइप पोकेमॉन मैं इसको रखता हूँ भाई, मेरे पास कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और भाई ये निकल चुका है, मैं तो पोकेबॉल थ्रो करने वाला हूँ भाई, बताएं ग्रेड बॉल में एक मिला था भाई, तो मैं उसको थ्रो करता भाई, शायद से चांसेस हो किया कैच हो जाए। तो भाई मैंने थ्रो किया ग्रेड बॉल, और भाई देखते हैं क्या होने वाला है। एक फट गया भाई, दिक्कत 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 भाई, लगता नहीं भाई पकड़ा गया भाई। भाई ले लिया उसको भी, गया ये भी गया भाई, 12 के हवा में गया फिर ले ली भाई। मेरे भाई दो पोकेमॉन गए भाई, सांस से सबको ना सुना भाई, ये दो पोकेमॉन बचेंगे तो भाई छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि भाई सामने भाई ट्रेनर्स भी मिल सकते हैं, तो मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ मेरे दो पोकेमॉन से भी भाई। मैं यहाँ पर उसको भेजता हूँ सीनियस को, इससे भी मैं पोकेबॉल फेंकने वाला भाई, इसका यूज तो अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट लाइज भाई इतनी सी भाई, इसकी एचपी डाउन किया भाई, वो भी सुपर सिक्योरिटी था, सोच लीजिए भाई। अब तो भाई देखते हैं ऊपर वालेगा गेम भाई, बाजार डालेगा मेरा भाई। यहाँ पर मैं पोकेबॉल थ्रो करता हूँ, क्या पोकेबॉल पकड़ाएगा भाई, लगता है भाई सारे पोकेबॉल दाव पर लगेंगे। अब भाई देखते हैं कैच हो जाएगा तो बेटर रहेगा भाई, कैच हो जाए 1 2 700 हो गए, यस हमने कैच कर लिया। हरियामा भाई, हरियामा हम लोग के साथ आ चुका है, मज़ा ही आ गया भाई। 25 लेवल मुझे मिल गया भाई पोकेमॉन भाई, 1400 500 500 भाई, 2500 XP मिला भाई इसने भाई, इसको नहीं मूव मिल गया भाई, भाई 2500 XP भाई, मज़ा आ गया। स्पार्क इसको मिला है भाई, भाई मज़े आ गया भाई इसको तो। और भाई और यहाँ पर 4 सिखाते हैं, इसको हटाते हैं और स्पार्क सिखाते हैं ठीक ना। 1 2 एंड टड़ा, मेरा भाई सीनिक्स तैयार हो चुका है एक नेमो के साथ, जो कि स्पार्क है भाई। भाई सीनिक्स भाई मैं सोचता हूँ कब इवॉल्व होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और भाई इसको मैंने पोकेवाइडस में ऐड कर दिया है, और भाई हरामा आज भी एडेड टू ए पार्टी ओके। और यहाँ पर ये भाई मैंकीविलिया पता नहीं कुछ नाम का भाई पोकेमॉन था, उसका साथ से इवॉल्व रूप है भाई, मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये भाई सीनिक्स इवॉल्विंग भाई। ये मेरा पहला पोकेमॉन भाई इवॉल्व हो रहा है भाई, तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
भाई हम लोग का फर्स्ट पोकेमोन एवॉल्व होने वाला है, तो देखते हैं ये क्या बनता है भाई। वो कितना भाई डेंजर भाई, लायन टाइप का लुक आ रहा है भाई इसका, या डॉगी टाइप का, कौन सा सीनिक्स एवॉल्व इन लक्ज़ियो भाई, लक्ज़ियो इसका नेम हो गया भाई। भाई मुझे को लगा थोड़ा टाइपिंग चेंज होगा, लेकिन भाई ये इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक ही है, तो कोई भाई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो एक प्रॉब्लम नहीं भाई, मुझे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन चाहिए। तो भाई भाई लक्ज़ियो भाई इसका और इवॉल्व होगा क्या भाई लक्ज़ियो के बाद, जेके रहेगा क्या करना है भाई। हरियामा भाई खतरनाक पोकेमोन है भाई, डिग्लेट वोग्लेट भाई, क्या किया जाए भाई। मैं सोचता हूँ कि मैं पोकेमोन को क्या किया जाए भाई, बॉक्स में डाल देते हैं भाई डिग्लेट को। डिग्लेट भाई मेरे काम का कोई पोकेमोन नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे पोकेमोन अच्छे आ चुके हैं भाई। ये डिग्लेट बहुत बेकार पोकेमोन है, इसके अटैक बस अच्छे हैं, लेकिन इसका हेल्थ भी बहुत बेकार है भाई, और साथ में इसका कोई काम का पोकेमोन मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैं उसको रख दिया है, क्योंकि मेरे पोकेमोन सारे लेवल अप हो चुके हैं। सुबह है भाई मेरे पिटलील की भाई, मुझे उसको भी लेवलअप करना, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या क्या है भाई, मैं नकली को भाई सोचता हूँ निकाल दूँ ही रखूँ भाई। मैंने नकली को तो रखा है भाई टाइटन्स को डिफीट करने के लिए, लेट्स चेक इट आउट क्या होने वाला है भाई। कुछ तो नहीं पाएगा भाई, चलते हैं भाई, देखते हैं भाई रास्ता कहाँ पर है भाई निकलने के लिए यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर भाई थोड़ा सा पोकेमोन से भाई, तो सोचता हूँ भाई थोड़े से बैटल कराते हैं हरियामा से भाई। हरियामा ले भी तो सबको, हरियामा के साइज के सामने वो सब कुछ नहीं है भाई। भाई धीरे से निकलना पड़े भाई, तो बहुत तेज पकड़ते हैं सब भाई। भाई हरियाणा डिफिटेड फॉर्मी फॉर भाई, बच गए हम लोग भाई। सीढ़ी भाई सीढ़ी से चलते भाई ऊपर भाई, चल भाई चल भाई ऊपर चल, यस भाई भाई क्या भाई मैंने स्कैम कर रहा है भाई, चल हाँ चल रहा भाई। भाई सब चलते नहीं है सब भाई, थोड़ा कीबोर्ड में दिक्कत कर देता भाई लगता है मेरे को भाई। अगर भाई थोड़े से आप सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा मुझे, क्या क्या करना चाहिए और कौन से पोकेमोन को रखना चाहिए, कौन से क्यों नहीं, तो आप मुझे बता दीजिएगा ठीक ना। तो भाई अभी हम लोग निकलते हैं भाई, और भाई मैं अपने एरो को भाई फ्लैग को मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, मेरे पोकेमोन तो वापस आ गया भाई। यहाँ पर तो कुछ नहीं है भाई, रास्ता तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और भाई यहाँ पर भाई फिर से जगह भाई जाने के लिए। तो भाई मैं यहाँ से देखता हूँ पीछे कुछ है नहीं भाई, पोकेबॉल नहीं है यहाँ पर। हरियाणा को छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सपी मिलेगा भाई, गेन कर लेगा भाई। यहाँ पर एक ट्रेनर है, चलते हैं उससे फाइट करते हैं भैया। यहाँ पर एक हैप्पी नाम की पोकेबॉल है भाई, ये मुझे अच्छी खासी एक्सपी दे सकती है भाई। पीछे फाइट करा भाई मुझे 200-300 एक्सपी दी थी, देखते हैं इस बार कितनी देती है भाई। मैं तो सो फोर्स पालम नहीं करूँगा, नॉक ऑफ करूँगा, क्योंकि भाई फोर्स पालम बहुत कम उसके साथ से मूव यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस ऊपर नॉक ऑफ किया भाई। काम खत्म, लेट सी कट आउट भाई। इस बार तो बहुत कम एक्सपी दी उसमें भाई, 150 भी एक्सपी नहीं दी भाई, मजाक है भाई। चलते चल ट्रेनर को चैलेंज करते हैं भाई। भाई इन्हें सुना तो भाई यहाँ पर खाते पीते कैसे हैं सब भाई, सब यहीं पर रहते हैं तो भाई, तो आप लोग पता है क्या, पता नहीं गेम वाले क्या सोच कर सब भाई खड़े रखते हैं भाई। वैसे कहता हूँ भाई मेरे को सब फंसा दिए सब भाई, यहाँ पर जब तक ट्रेनर नहीं आता मैं कहीं जा ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे एक पोकेमोन उड़ता हुआ दिख रहा है भाई मेरा, हरियामा भाई बहुत बड़ा है भाई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उतना भाई। मुझे बस इसको थोड़ा सा मैं इसको यूज करूँगा, उसका रख दूंगा बल्क अप, देखते हैं इसका होता है भाई। बल्क अप से ये होने वाला था मुझे पता नहीं था भाई, नहीं तो मैं इसको वन शॉट कर देता। चलिए कोई बात नहीं, अब एक और अटैक कर देंगे फिर उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो भाई जल्दी से भाई रॉक स्मैश सर्च किया, देखते हैं कितने स्पीड डाउन होते हैं भाई। कुछ नहीं हुआ भाई, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफेंस फॉल हुआ भाई, और क्या हुआ, कुछ नहीं भाई। मैं अब नॉक ऑफ करने वाला हूँ, इसका काम खत्म भाई। 12 लेवल का भाई इसका है, क्रॉलोस का पता नहीं कुछ नाम, क्रैवलर क्रैवलर नाम का है भाई, नॉट वेरी इफेक्टिव है। इसका खेल ख़त्म कर डाला भाई, अब मेरा लाइफ झिंगा डाला हो चुका है भाई। मुझे एक अच्छा पोकेमोन मिल चुका है, जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था भाई, थोड़े से एक्सपी ज़्यादा मिले हैं भाई। मेरा नकली डेवलप हो गया है, इसको 24% से ये इवॉल्व होता है, एक पोकेमोन अजीब सा पोकेमोन बनते रहिए भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए भाई, टाइटन्स को डिफीट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो भाई यहाँ पर हम थोड़े से फिर से इकट्ठे करते हैं भाई मटेरियल्स भाई, मैं इकट्ठे करें भाई टीम्स बनाने के लिए भाई, टीम्स बनाने में काम आएंगे। तो भाई मुझे रास्ता देखना पड़ेगा कहाँ से जा सकता हूँ। तो भाई वहाँ पर एक कुछ दिख रहा है भाई साइन बोर्ड, तो हेल्प ऑफ साइन बोर्ड मैं जा सकता हूँ भाई, ये इधर ही बोल रहा है, तो देखते भाई रास्ता तो यहाँ पर कहीं होना चाहिए भाई। तो मैं भाई चेक कर लेता हूँ भाई रास्ता कहाँ पर है भाई, मेरे पोकेमोन से मुझे नहीं लड़ना है बिल्कुल भी भाई, सबको भरोसा नहीं रहता है कहाँ से आ जाते हैं सब भाई। तो तू रे लड़ भाई, मैं निकलता हूँ भाई। यहाँ पर कोई रास्ता है क्या, यस भाई मुझे साथ से रास्ता मिल चुका है। चलिए मेरा काम हो चुका है, हम लोग ऊपर निकलते हैं भाई। यहाँ पर मुझे अब शायद से मैं कहीं पहुँच जाऊँगा अच्छे से भाई, भाई गिरने वाला जगह है भाई, गिर गया तो फिर से भाई मुझे आना पड़ेगा। और भाई मैं थोड़ा सा और ऊपर जा रहा हूँ, और भाई मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ भाई। यहाँ पर एक पोकेबॉल है, तो सोचता हूँ पहले पोकेबॉल ले लेता हूँ भाई, सीनिक्स को मरवाते हैं भाई। सीनिक्स काम ख़त्म भाई तेरा भाई, कूद भाई भाई, ये क्या भाई, चढ़ जा भाई, ये क्या कर रहा है भाई। अरे भाई मैं उससे टकरा जाता, फिर हम लोग बैटल शुरू हो जाती भाई, चढ़ जा भाई, क्या कर रहा है तू।
और भाई यहाँ पर भाई फुल हील मिला भाई, मज़ा आ गया भाई, फुल हील करेगा भाई मेरे को। और यहाँ पर एक नीचे चमकता हुआ पोकेमोन है भाई, कहाँ गया भाई तू तो अभी था ही पर भाई, ये क्या भाई ग्लिच है क्या भाई, मेरे साथ ही ग्लिच करना था भाई आप लोग को। भाई मैं भाई जैसे ही गया भाई वो गायब हो गया भाई, देखिए भाई एकदम सामने था भाई, अचानक से गायब हो गया भाई, मजाक ही चलता है सबका भाई। मारो भाई एक्स मारते हैं भाई, चाहे कूट कूट क्या भाई सबको मार भैया, मारो पटक पटक के मारो भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो अपने इसका प्री एवोल्यूशन उसको नहीं मार रहा भाई, जो है इसके भाई यहाँ पे एक ट्रेनर जो इससे फाइट कर लेते हैं भाई, मैंने देखा उसका प्री एवोल्यूशन के साथ कर रहा है भाई, पता नहीं किया कि मुक्का इंडा था वो भी हो सकती है, नहीं पता मुझे भाई। यहाँ पे एक ट्रेनर चल जिससे बैठे, डन डूना डून डून डूना द साउंड ऑफ द हीलिंग ऑफ पोकेमोन भाई, धन धना डून 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 दा भाई हीलिंग ऑफ पोकेमोन सेंटर है, तो सारे यहाँ पता नहीं किसका भाई है, भाई लड़का है कि लड़की, मुझे समझ नहीं आता इस गेम में भाई, लड़की लग रही है लेकिन फेस उसका नाम लड़की जैसा है भाई, फेस उसका लड़की जैसा है, लवली पॉप है, लवली पॉप लगना पॉप नहीं है भैया। भाई मैंने अपना हरियामा निकाल लिया है, देखता है जिगली पॉप करा भाई, लवली पॉप को भाई मैं नॉक ऑफ करने वाला भाई, फिनिश हो जाएगा ना तो भाई नॉक ऑफ में, लेट्स चेक इट आउट क्या होने वाला है। यस काम हो गया, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव बट भाई बच्चा भगवान भाई, अरे मेरा हाथ ही उसके लिए काफ़ी भाई, देखते हैं भाई उसका साइज और मेरा साइज भाई, पैर से तो कुचल दूंगा भाई तो बच्चे का बेचारा। अब भाई तो बस एक और पोकेमोन है क्या भाई, और एलिका डिफीट है, एलिका तो मुझे भाई चल डिफीट हो गई, तू निकल ले भाई पहली फुर्सत में भाई, करे भाई मेरे साथ तूने स्कैम करके अच्छा नहीं किया भाई, 25 लेवल का पोकेमोन लेकर आता है गंदे लड़के है, धुन 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 आ रहा है, 1100 भाई 1100 रुपये मुझे दी भाई, 1100 रुपये कैश भाई। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, मैं जस्ट पोकेमोन लेकर पोकेबॉल लेकर आता हूँ, मुझे लगा फिर से रख जाएगा भाई, इसका क्या भरोसा रहता है भाई। चलो भाई पहला ही झील मुझे मिला भाई, मैं थोड़े से कीस सीख रहा हूँ भाई, कैसे कैसे करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कीस भाई सीख रहा हूँ भाई, मैं फिर से छोड़ दिया भाई, मुझे तो भाई फ्री का मिल रहा है भाई, इसका हेल्थ तो डाउन होने वाला है जल्दी। चलिए इससे बात करते हैं भाई, इससे येलो साइन है भाई, तो बता भाई क्या करना है। हेलो देर आई एम पोकेमोन लीग ऑफ द नाइस पोकेमोन बैटल, सो फॉर योर डिफीट थ्री ट्रेनर्स एरिया ऑफ द साउथ पोवियन, सो ऑन यू डिफीटेड भाई, सिक्स भाई कहाँ थे भाई, मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, मेरे पास समय नहीं भैया भाई, मैं सोचता हूँ भाई अपने पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, फिर उसका आऊँगा भाई सामान लेने भाई, कलेक्ट करने जाओ भाई, पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक वीडियो बना जाएगा कंप्लीटिंग ऑल ट्रेनर्स, ऐसा टाइटल रखा जाएगा और फिर सारे गिफ्ट क्लेम किया जाएगा, क्या आइडिया है आप लोग का, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में भाई। मैंने सारे पोकेमोन को हील कर दिया भाई, अब मेरी टीम थोड़ी सी स्ट्रांग होती जा रही है भाई, मुझे बस तो अब इस हरियामा को भी हटाना है भाई, मुझे एक अच्छा स्ट्रांग पोकेमोन ढूंढना पड़ेगा इन द रेड बैटल भाई, जो टेरा रेड्स आते हैं भाई उसमें ढूंढना पड़ेगा, रोके डिफेंडर भाई, मेरा टेरा भी चार्ज हो चुका है भाई, वहाँ पर भाई एक पता नहीं एक फ्लाइंग टाइप का भाई कुछ है, और टेरा 40 भाई, वहाँ पर पोकेमोन पोकेमोन करना भाई, ट्रेनर है उससे फाइट करते हैं और चेक करते हैं भाई, रू टू 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 भाई यंगे बोल भाई कौन भाई तू है भाई, मेरा फोन बज रहा है रूट 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 करके, सो फ्रॉम आई कैन गेट अ स्टोनी क्लिप टाइटन लक समवन लक स्ट्रीट, आई लुक अराउंड बाई कुड नॉट फाइंड, मे बी इट्स वे टू द हाईलाइट ऑफ क्लिफ फॉर समथिंग, ना इट्स इम्पॉसिबल दैट नो आई बी हाइडिंग सम द ट्रिकी गो फॉलिंग ऑफ द क्लिफ फॉर एनीथिंग ट्राइंग टू सर्च मे बी आई जस्ट गिव द लुक इन सिस्टम प्रीटी हैंडी भाई। यहाँ पर कहीं टाइटन है भाई, रॉक टाइटन, तो भाई मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा और उसका उसको किल करना पड़ेगा भाई, भाई मैं सोचता हूँ भाई हरियामा से फाइट करवाया जाएगा, देखते भाई हरियामा जीतता है कि भाई टाइटन जीतता है भाई, मैं टाइटन को सोचता हूँ फिनिश करता है भाई, मारते भाई हरियामा को भाई, उधर नहीं भाई नीचे नहीं भाई, उधर उधर भाई सीनिक्स की तरफ भाई, पूरे ग्रुप पे भाई फूटे देगा भाई सीनिक्स को भाई, दो तीन तो भाग गए कर भाई, पहली फुर्स में निकलने का भाई, निकलने का भाई निकल भैया, धो देगा भाई बढ़िया से भाई, लेकिन भाई ओपन वर्ल्ड गेम खेलने के मजे ही अलग होते हैं भाई, सारे पोकेमोन भाग रहे हैं भाई दर 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 करके भाई, भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, मुझे तो मज़ा आ गया भाई, इतने भाई 7 दिन ऑफिस है भाई, तू ऑफिस वर्कर है तो भाई यहाँ पर पोकेमोन ट्रेनिंग क्यों कर रहा है भाई, वो भी बेचारा खड़े रहते हैं ऑफिस वर्कर, यही कर रहा है जिगली पफ भाई, लवली पफ मिला भाई, एक लवणी पफ मिला था, अब एक जगली पफ मिला है भाई, अब भाई देखते हैं इससे काम होता है कि नहीं नॉक ऑफ से भाई, इसका 17 लेवल पोकेमोन है भाई, तब तो दिक्कत है भाई, भाई 17 लेवल कैसे बन गया भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया भैया, बच गया भैया, मैं क्या करूँ भैया, स्टॉक पाई होता है क्या भाई, मुझे क्या पता भाई, भाई तीनों सैनिक भाई मुझे देख रहे भाई, चल मार साले को भाई, खत्म कर डाल साले को भाई, हम लोग के टीम मेंबर को मार दिया बेचारे, मेरा दोस्त था वो, अरे भाई मेरा रिश्तेदार था वो, करे सो भाई भाई एक नकली भाई जा रहा भाई, कर चलो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से भाई, ये फाइट चल रहा है भाई, मैं नॉक ऑफ करूँगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा भाई, मुझे पता है भाई इसकी क्या HP थी भाई, नॉट वेरी इफेक्टिव इसका खा गया भाई, भाई मुझे नहीं रहा एक्सपेक्ट कर रहा था भाई 17 लेवल पोकेमोन मिलेंगे भाई यहाँ पर, तो भाई जिम लूडे के पास कितने लोग भाई 25 लेवल के होंगे क्या भाई, मैं 12 लग जाएंगे भाई, मेरे पास तो कोई पोकेमोन नहीं ली 20 लेवल का,
दो दो पोकेमोन है, स्कीडू आ गया, स्कीडू कौन सा पोकेमोन, स्कीडो स्कीडो स्कीडू का स्कीडो भाई, ये तो बकरा पोकेमोन है भाई। भाई बकरे पोकेमोन को क्या मारा जाए भाई, फोर्स पाला मारता है, इसको फिनिश करता है, डोंट टेक दिस भाई। सनरल का ये भी है भाई, स्कीडो का भाई मैंने मार का चपाटा बना दिया भाई। भाई कह रहे भाई इतना चपाटा तेज क्यों मारा भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा तेज लग गया भाई, नकली कर रहा है। चलो सर्कल भाई, नकली के मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा तेज है यार भाई, एक्सपी तो भाई अच्छी खासी देता भाई। देखते हैं कितना रुपया देगा, गड्डी में देना भाई रुपया भाई, तेरा लेवल ज़्यादा अच्छा तो भाई गड्डी में देना भैया, 1 लाख की गड्डी देने का भाई, 1 रुपया नहीं देने का। ठीक है देखो भाई 3 हज़ार रुपये, चलो भाई 3 हज़ार रुपये के आसपास तो मुझे मिला ना भाई। भाई नीचे कैसे गिर भाई, कैडोन दुकान नॉट है कौन डाल राइट कर रहा नहीं है ठोके भाई, मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ भाई। यहाँ पर हम लोग चलो भाई टेरा बैटल किया जाए फिर से, तो मैं टेरा बैटल करता हूँ ऑफलाइन है भाई, क्योंकि भाई इसमें समय लगता है भाई, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग जानते ही होंगे भैया। चलो मैं आज आपको दिखाई देता हूँ मैं टेरा बैटल पोर्शन भाई, क्लेम यहाँ भाई सारे चीज़ों को क्लेम कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं भाई, ले ले भाई, मुझे इसमें निकालने में दिक्कत हो। चलो पोकेबॉल तो मिल भाई मुझे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है कभी कभी भाई। यहाँ पर एक पोकेमोन है भैया, और भाई मेरा काम बन जाएगा। और भैया यहाँ पर एक टेरा रेड बैटल है भाई 1 स्टार का, यहाँ पता नहीं कोई पोकेमोन है भाई छोटा सा। और भाई चेंज एलोन भाई कर सकते हैं हम लोग, चेंज एलोन करते हैं भाई। भाई हम लोग अकेले चल गए फाइट करने के लिए भाई, देखते हैं कैसा पोकेमोन है, लेट्स चेक इट आउट। और भाई देखते हैं कहाँ आई, लोड ले ले भाई, लोड ले ले, यस ले लिया उसने भाई, मेरी आँख नहीं खुल गई भैया। भाई कह रहे भाई इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, माँ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, कह रही थी भाई। भाई ये क्या ग्लिच हो गया भाई, या ग्लिच हो गया भाई फिर से, हम मुझे फिर से गेम को सेव करके भाई चालू करना पड़ेगा भाई। और भाई च्यूटल नाम है इसका, अटैक फॉल हो गया ठीक है, मैं उसको फोर्स पालन यूज़ करता हूँ भाई, जल्दी से उसको फिनिश करना है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। भैया अच्छा खासा डैमेज मैंने उसको दिया, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, लेकिन भैया काउंटर मारा उसने ले भाई, इसकी 70 HP खा गया भाई, 70 HP मजा आ गया भाई, वो भी 1 स्टार था, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 15 लेवल हो सकता है भैया। चलो भैया अब इसको फिर काउंटर मार मार के मेरा ही मार दिया भैया, क्या करने का, पनौती लगने का तो हम लोग क्या ही कर सकते भाई। चलो भाई आधी तुई तो भाई इसकी ना मुटकी की भाई, गेंडा निकला भाई मेरे को भाई, मार मार के भाई तोड़ दिया हरियामा का भाई। भाई ग्लिच हुई गंदी वाली हुई ग्लिच हुई भाई, रान इसका मुंह में से क्या निकल गया, स्टारिया इंडेड साला, लगता है मेरे को फाइट ही करने को नहीं मिले। चलो भाई मैं इसको नॉकऑफ से ख़त्म करता हूँ, चलो भाई नॉकऑफ में मारता हूँ अभी इसके ऊपर, और चलो नॉकऑफ किया मैंने, काम हो गया भाई। लेकिन भाई बलून टाइप का भाई बन रहा है भाई टेराफॉर्म, मुझे हंसी आता है यार, मज़ा आता है भाई, लोल कर देता भाई। चलो भाई मैं एक पोगाल थ्रो करता हूँ भाई, देखते हैं कैच होता है कि नहीं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कैच है तभी ठीक है नहीं, भाई इसको टीम में तो रखने वाला हूँ नहीं भाई। तो भाई यहाँ पर भाई गैलेक्सी बनते हुए भाई, गैलेक्सी का भाई बन गया मून, मून से बनने के बाद उसने लिया अंदर च्यूटल को, च्यूटल नाम है इसका, तो च्यूटल को अंदर लेते भाई, बॉल भाई कर रहा है भाई, करने है क्या एक बार भाई, ये क्रिटिकल कैच था भाई, कहते थे भाई ये क्रिटिकल कैच था भाई, सीधे भाई 1 टैप जाता भाई एक बार में भाई, मेरे क्रिटिकल कैच कर लिया भाई, जब मुझे चाहिए होता हरियामा पर तो क्रिटिकल कैच नहीं बार किया था भाई, क्योंकि भाई वो मुझे चाहिए था तो नहीं देंगे सब भाई, फालतू भगवान तो भर भर के देंगे सब भाई, ये सब हम सबको पागल समझते हैं सब, सही कहा ना मैंने। चलो भैया इसको रखते हैं भैया पार्टी, भैया तू कैसे आ जाता है भैया, भाई मेरे को जुगाड़ पानी करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा पोकेडेक्स फील करता भाई, एनिमेशन आता भैया ऊपर करने का, भैया 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 करके मैं थक गया भैया। भाई यहाँ पर हम लोग सोच रहा हूँ क्या किया जाए, तो भाई मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन मुझे यहाँ पर एक पोकेमोन चाहिए था भाई, भाई यहाँ पर तो पोकेबॉल था भाई, यहाँ पर एक रेड कलर का आपको पोकेमोन दिख रहा है ना मैप में, मुझे वो चाहिए था भाई लेकिन मुझे दिख नहीं रहा भाई, भाई वो एक फायर टाइप पोकेमोन है और मेरा काम बन जाता उस फायर टाइप से, और भाई मैं इसको ढूंढता रह गया भाई लेकिन मिला ही नहीं भाई, लगता है मेरा किस्मत ख़राब है भाई, मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। चलो भाई लक ख़राब है और क्या कर सकते हैं, हाइपर पोस्टर में मिला, और भैया क्या क्या है यहाँ पर भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो भैया नीचे चलते हैं हम लोग भाई, यहाँ पर कोई पोकोबॉल नहीं भाई, यहाँ पर कोई पोकोबॉल नहीं है, चलो नीचे इस साइड देखते हैं, नहीं दिख रहा कुछ, तो हम लोग पोकोबॉल तोड़ रहे हैं भैया, और साथ में यहाँ पर एक वो है रेमबो कलर का ही मार रहा साइन, उसको चेक करके आते हैं ये कैसा पोकोबॉल है। और भैया यह बकरी भैया है, कह रहे भैया भैया अच्छा भैया यहाँ पर भैया एक और है भैया मारने का टेरा, और मैं रेड भैया मून स्टोन भैया पेसिडर स्टोन दैट कैन मेक अ सर्टेन स्पीसीज ग्रोथ, ओके भैया। और मैं सोचता हूँ भैया क्या करना है भाई, मैं इसको गेम को सोचता हूँ कि सेव कर लेने का,
करेक्ट भाई, मैं क्या की दवा दिया भाई, मुझे क्या करना भैया? मैंने कैसे गलत की दवा दिया भाई। यस मुझे अपने गेम को सेव करना है भाई, मैंने शॉर्टकट की ढूंढ रहा था भाई कि कैसे सेव करने के लिए शॉर्टकट की ढूंढना है, तो मैंने एक्स एक्स से मेरा शॉर्टकट की है भाई। चूटल को रखते हैं भाई बैग में भाई, ये बहुत गंदा मारा भाई तूने। 12 लेवल का होते भाई मेरे, बहुत गंदा मारा भाई इसने, काउंटर मार मार के भाई। काउंटर अटैक तो बहुत खतरनाक अटैक है भैया, ले भी इतना भैया पोकेमोन को भाई। मेरे पास भाई मैं लेता हूँ भाई पोकेमोन, मैं भाई अपने सीनिक्स के साथ जाऊंगा भाई। इसका नाम 2 स्टार बैटल भाई, बहुत खतरनाक पड़ेगा भाई। 20 लेवल के आसपास निकलना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 1 स्टार 25 के 12 निकलता है भाई ज़्यादातर। और मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया बैटल टेरा रेड वाला भाई। यहाँ पर भैया क्या है भैया बता भैया। चल भाई चलो अपने फॉर्म में आते हैं वापस से। और भाई मैंने यहाँ पर भाई सारे पोकेमोन निकल चुके हैं, और भाई लग्जो ने इंटीमेट किया, लग्जो को ट्राई करते हैं भाई पहली बार। भाई उसने भी इंटीमेट किया मेरे को, इंटीमीडिएट करते हैं भैया। और भाई वो तो एक क्रोकोडाइल लग रहा है भाई, संडाइल नाम, संडील नाम पता नहीं क्या। मैं तो उस पार करने वाला हूँ भाई, संडाइल यूज लियर भैया, लियर क्यों मारता भैया। भाई मैंने तो उस पार किया भैया, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैंने उसको उस पार किया, सुपर इफेक्टिव था लेकिन बहुत कम डैमेज दिया, लगता है मेरा लेवल ही नहीं उसके सामने। चलो भाई मैं फिर से मारता हूँ भाई। भाई मैंने मारा भाई, बहुत कम डैमेज पड़े, वो तो ए स्लिप लिखा था भाई, ए स्लिप, एक में स्लिप हो गया, पता नहीं क्या मतलब है इसका। भाई मेरा HP तो गया भाई, खा गया भाई तू तो। भाई मैं थंडर शॉक ही मार रहा हूँ, पता नहीं इससे काम बन रहा है कि नहीं। कन्फ्यूजन भाई गजब मार दे भाई समझ भाई, या थंडर शॉक से भाई सुपर हैप्टी है तब भी कोई काम का नहीं है भाई, मज़े चल रहे हैं भैया भैया भैया। मैं कह के पगला गया हूँ भैया कह के, रुको फॉर्म आता ठीक ना। हाँ बाइट भाई ख़त्म भाई, इसके लीटर HP बची थी भाई, मर जाता तो मेरा काम बन जाता, मुझे वापस से रिस्पॉन लेना पड़ेगा, उसमें मेरे 10 सेकंड जाएंगे भाई, तो उसको कैच करने में 5 सेकंड जाएंगे भाई। वो लगा था आपके लिए 5 सेकंड मिले तो भैया 2 मिनट का काम है भाई, और 2 मिनट में भाई जाता भाई। इस तरह मैं चल पड़ा हूँ धीरे धीरे भाई गैलेक्सी पार करते हुए भैया, पता भाई पता नहीं क्या मैं बोल दे रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया लगता है भाई। मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दिया और इसका काम ख़त्म भाई, पैरालाइज हो गया भाई, बहुत जल्दी तू पैरालाइज हुआ भाई। और भाई चश्मा पहना भाई, क्यों भाई चश्मा मिल रहा था फ्री का, तो तूने उठा लिया करा था भाई, फ्री में चश्मा बढ़ रहे थे भाई, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ले लेता हूँ, मैं भी कुल लगूंगा, तो भाई औसम भाई अक्सर भाई कुल ही लग रहा है भाई इसके साथ भाई। ये भाई क्या पोकेबॉल का एनिमेशन होता है, लगता है भाई ब्लैक होल में घुसा दिए सब इस पोकेबॉल को, और भाई वो स्टार बन गया भाई। और मैंने कैच किया है, मैंने कैच किया संडाइल भाई 2 स्टार वाले को भाई, मुझे पल वल मिले भाई, देखते हैं पल वल का क्या होता है, मुझे नहीं पता पल वल का क्या सीन है। और हमने एक और ग्राउंड टाइप और डार्ट है भाई, अच्छा पोकेमोन है, मैं सोचता हूँ उसको टीम में रखते हैं भाई। और भाई अपने नकली को भी निकाल लेंगे भाई, लात मार के कहेंगे पहली फुर्सत में निकलने का, चल निकल संडाइल, संडाइल भाई संडाइल भाई क्या नाम है संडाइल संडा संडाइल। और भाई चलते हैं भाई, गेम सेव हो रहा है, और हम आएंगे देखते हैं भाई यहाँ पे पोकेबॉल दिख रहा है, तो हम लोग पोकेबॉल की तरफ भाई जानते हैं, पोकेबॉल हमें बुलाता है आओ बेटा, लेकिन हम लोग कहते हैं आने का जाने का, लेकिन कहते भाई गेम वाले भाई कहते भाई पोकेबॉल लेने का है भाई, क्या मिला मुझे नहीं पता भाई, साथ से कोई पोकेबॉल मिला था मैंने ध्यान नहीं दिया, कहती फिर से यहाँ पोकेबॉल है भाई ले ले भाई। यस रिवाइव मिला भाई, रिवाइव का क्या यूटिलिटी है मुझे कोई आइडिया नहीं है, प्लीज़ आइडिया बताइएगा भाई। जा सबको कूट गया कर देगा, मेरा नाम हरियामा है, बाजा बजाना काम मेरा भाई, ये तो अटक गया, मैं तो एक्सपेक्ट करा तो निकल लेगा, कोई बात नहीं यहाँ पर पोकेबॉल है। चलो फ्रेश वाटर नाम का चीज़ मिला है, पता नहीं फ्रेश वाटर से क्या होगा भाई। भाई यहाँ पर एक बैटल करने के लिए रेडी है भाई, मैं क्या करना है भैया। भाई मैं तो एक वो पहले चुक रहा था, ये आइटम चुक लेता हूँ, फिर मैंने सोचा भाई आइटम चुक के फिर इसके साथ बैटल करेंगे भाई, कर लड़की भाई लड़की भाई लड़का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया होगा तो बताइएगा। और भाई मैंने इसको चैलेंज कर दिया है, और भाई इसने टॉक्सजेल निकाला ठीक है ना, टॉक्सजेल भाई पता नहीं कैसा पोकेमोन है भाई, छोटा सा बच्चा भाई, बच्चे को भाई बच्चा और मेरे हाथ दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, वो 13 लेवल का है भाई, वो 17 लेवल का था भाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है भाई। भाई वो भाई लगता है भाई सबसे टफेस्ट ट्रेनर रहते हैं सब भाई, ऑफिस वर्कर वाले जो आपको अच्छे खासे टफ दे सकते हैं। तो भाई मेरा संडाइल को भी 1 HP भाई, मेरे को लगता है भाई मुझे अपने नकली को लात मारना पड़ेगा, क्योंकि लकनी नकली के जगह मैं अब रखने वाला हूँ अपने संडाइल को, आई थॉट कि मेरा संडाइल अच्छा रहेगा।
लेकिन मैं अभी रखता हूँ भाई, मुझे जो भाई फायर टाइप चाहिए था वो तो मुझे दिखा ही नहीं भाई। अरे ले ले भाई, भाई डालू डरा था भाई अब से। चलो भाई सुपर पोशन में मिला भाई, और भाई यहाँ से निकल लेते हैं बाबा जी के जय जयकार करते हुए। भाई यहाँ पर भाई हमारा जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच रहे हैं भाई। ले लिया भाई, ले लिया ठीक है। और भाई यहाँ पर ठंडा सा टेरा, और भाई यहाँ पर हुआ है क्रैब भाई, वहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी बड़ी क्रैब है भाई वहाँ पर। भाई तब से इससे फाइट कर लेते हैं, पहले बच्चे से फाइट कर लेते हैं, फिर पता चलेगा भाई गेम सेव कर लेते हैं भाई कि भाई इस किस टाइप का पोकेमोन है। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव पोकेमोन लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई अगर हरियामा जो है वो अगर सुपर इफेक्टिव हो गया तब तो मज़े ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फाइटिंग टाइप मूव यूज़ करूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा क्या इसके ऊपर फाइटिंग टाइप स्ट्रॉन्ग है। मेरे सब तो होना चाहिए भाई, फाइटिंग टाइप को मारे और कच्चे से टूट जाना चाहिए। और यह मुझे ग्राउंड टाइप लग रहा है भाई। भाई मैंने उसके ऊपर मारा और क्या सुपर इफेक्टिव, मेरा काम बन गया भाई, तेरा गया भाई, क्या भी टाइटन गया तू भाई, टाइटन गया भाई। टाइटन केल लगाने वाला भाई, क्या एक्सपी दिया भाई इसने भाई, तब क्या एक्सपी मिला भाई, 17 लेवल का हो गया भाई मेरा। एक्चुअली डबल एट मूव सीख रहा है, तुम्हें रिप्लेस कर देता हूँ। किसे रिप्लेस करना है मेरे को आइडिया ही नहीं। और मैं सबसे पॉइंट से कर लेता हूँ भाई, इसका 70 डैमेज बन जाएगा भाई, 35 35, और ये भाई 40 देता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं, तो निकल ले भाई पहली फुर्सत में। और भाई मेरे पास एक नया नॉर्मल टाइप मूव आ चुका है, और भाई देखते हैं क्या करना है हम लोग को। क्लॉफ क्लॉ मिला भाई, इसका नाम क्लॉफ होता है भाई, को एक्चुअली इवॉल्व कर रहा है भाई, मज़े आ गया भाई। मेरे आज तो दो पोकेमोन इवॉल्व हो गए भाई। भाई लगता है भाई ये लक बहुत अच्छा चल रहा है आज, और भाई ये जगह भी अच्छी है भाई रिवॉल्व करने के लिए भाई। हम पोकेमोन भाई, ये तो भाई बत्तख से बन गया भाई, मोरनी बन रहा है भाई, लगता है कुछ मोर नहीं लग रहा है भाई, मोर मने मोर लग रहा है बिना पंख के भाई। भाई रजिस्टर हो चुका है, पर्सनल डाटा भी एडेड थी, 0.11 ही, पता नहीं क्या है, स्ट्रॉन्ग सर से भाई पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। क्वैक्सली क्वैक्सुअल भाई बन गया भाई। भाई मुझे समझ में नहीं आता भाई, मैं उससे फाइट कैसे करूँगा भाई, वो कितना बड़ा है भाई, बस ज़्यादा उसका हेल्थ हरियामा से कम ही हो भाई, इससे फाइट कर ले। देखते हैं स्पीड कितना रहता है, 200 दिया था इसने सबको भाई, देखते हैं इस बार कितना रहता है। ए तरीके से तो पागल बनाता है भैया, भाई उसको मार के आता भाई, थोड़ा सा और एक्सपी मिलता है भाई। क्लाफ क्ला भैया भाई इसको मार ना, हाँ बैटल कर भाई, हम चलते भाई अपने मुँह मेन जगह पर चलते हैं। अब टाइटन को डिफीट करना है हम लोग को, तो टाइटन में आ गया भाई। तू टाइटन भाई, मैं अभी आया तो भाई, तू कहाँ निकल गया भाई, भाई कहाँ है क्या भाई, मुझे भाई ऊपर नहीं करने आता भाई, पता नहीं कि ऊपर नहीं होता है भाई, थॉट की वो कहाँ गए भाई, मुझे तो कोई आइडिया नहीं रहा भाई कहाँ गए, आपको बताइए कहाँ गया भाई कमेंट सेक्शन में। क्या भाई हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाते तो पता चलता, नहीं यार ऊपर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं भाई। यहाँ पर पोगवाल है भाई, पोगवाल बुलाता भाई, लेकिन जाने का हमको है भाई, पता नहीं कुछ अच्छा भी मिल सकता है, आइटम नहीं भी मिल सकता है भाई। एक्सपी कैंडी भाई, मच्छरों में गया भाई, एक्सपीड कैंडी थी भाई, वहाँ पर एक और पोगवाल है भाई। मैंने इसको मिस कैसे कर दिया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया लगता है। ले ले बस ले लिया भाई, लेमन एड्डे लिखा है भैया। भाई यहाँ पर एक और पोकेबॉल है भाई, पोकाल चू लेता हूँ, पता नहीं मैं आऊँगा नहीं। वाली अल्ट्रा बॉल मिला मुझे, पता नहीं कैसे हाई परफॉर्मेंस रेट रहती है भाई। यहाँ पर गोल कॉइन था भाई, मुझे लगा भाई कोई पोकेमोन अच्छा होगा, पर यहाँ पर मुझे सिटी दिख रही है भाई। भाई वहाँ पर देख सकते हो कितनी लाइटें जल रही है भाई, वो कैसा सिटी है भाई, एनर्जी रूट भाई। यहाँ पर दिख गया है मुझे, क्रैब दिख गया भाई, मैं चलता हूँ उसके पास भाई, नीचे गिर जाऊँगा तो भाई फिर से ऊपर आना पड़ेगा भाई, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता। चलिए मैं तो बच गया भाई, निकलते भाई वापस भाई, जम करके निकलते हैं भाई। आज तू गया बेटा, आज मैं टाइटन को डिफीट करने वाला हूँ भाई, बस थोड़ा सा अच्छे से डिफीट हो जाना भाई, मेरे को मत खा जाना भाई, गेम सेव कर लेते हैं, कोई गड़बड़ हुआ तो ये बचे रहेंगे ना भाई। मैं तो यहाँ पर गेम सेव कर लिया, 25 लेवल का मेरा हरियामा है, क्या इसको डिफीट कर पाएगा, लेट्स चेक इट आउट। एंड डिफीटिंग भाई, भाई इसकी आँखें भाई बहुत डेंजर है भाई, भाई ये क्या भाई, मतलब क्या उल्टा ही 360 डिग्री इसकी आँखें हैं क्या भाई। भाई आ गया भाई, बहुत ताकतवर लग रहा है भाई, मुझे तो नहीं पता मुझे कैसे उसको डिफीट करना, लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं इसको जल्दी से डिफीट करके भाई वीडियो को ख़त्म करूँ। और ये मैंने फोर्स पालम में इसका 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है फोर्स पालम से आई भाई, ये तो वन टैप जाने वाला था भाई, पता नहीं कैसे बच गया भाई, ये कहाँ भाग रहा है, फिर से भाग गया भाई, कितना भागवाड़ा भाई गया है, भागवाड़ा का इनका भाग गया फिर से, मुझे फिर से सासू ढूंढना पड़ेगा, भगवाड़ा का इनका गंदा लड़का भगवाड़ा है लगता है, कहाँ गया भाई, भाई इसको मुँह पा गया भाई, मैं तो एक ऐसे नहीं खुलूंगा, ग्लिच में फंस गया क्या भाई, बस का पीछे में फंस गया था। ये क्या भाई, ये क्या किया इसने,
भाई पूरा पहाड़ तोड़ दिया भाई अपने पावर से। मैं मजाक चल रहा है क्या भाई? पीछे टीम भगवान है, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा भाई। भाई ये क्या खा रहा है भाई? टाटन को बिगन ईटिंग समथिंग भाई, ये क्या है भाई? हर्बल मिस्टिका पूछ रहे क्या भाई? और भाई क्या बता तू? फैट वी हैव फाइंड इट, वी हैव मैन फाउंड कर लिया, एंड दैट्स द स्टोन क्लिफ टाइटन नाउ क्राफ्ट गर बिजनेस इट गोइंग स्ट्रांग नाउ आफ्टर ईटिंग थोज हेल्ड। सही क्या खा रहा है मुझे तो वे बता दो तुम भाई। इसे फाइट करना पड़ेगा क्या मुझे भाई? ये तो और स्ट्रांग लग रहा है होने वाला है। ये क्या भाई, तुझे पर पावर आ गई क्या भाई? ये क्या हुआ भाई? मुझे क्या पता क्या हुआ इसके साथ। मैं तो उसको फोर्स पालन करने वाला हूँ, देखते हैं इस बार कितना डैमेज पड़ता है भाई। वन टैप तो नहीं जाएगा, मुझे पता है भाई लक खराब है भाई मेरा। भाई दूसरा भाई इससे पावरफुल और हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। और भाई मैंने मारा उसके ऊपर फोर्स पालम भाई। चलो अच्छा खासा हेल्थ गया भाई, दूसरे में इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पैरालाइज मैंने कर दिया भाई फोर्स पालम से। भाई फोर्स पालम से चांसेस होते हैं पैरालाइज होने के, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है पैरालाइज करना। और एक उसके अटैक रोज हुए हैं ठीक है। अब क्या हुआ भैया? अटैक स्पेशल अटैक रोज हुए हैं ओके। और क्या भैया? स्पीड भी रोज हुए, ये भी ठीक है। अब क्या चल रहा है रोज हुआ भाई? डिफेंस फॉल हुआ, मतलब तू कहना क्या चाहता भाई? अरे भाई स्पेशल डिफेंस फॉल हुआ, मजाक चल रहा है भाई? तू तो भाई डिफेंस फॉल कर रहा है, वाइस ग्रिप भाई ये क्या भाई? पीछे से ये कौन आ गया भाई मेरे को पकड़ने? भाई भाई वाटर गन से फिनिश कर लेगा? नहीं भाई तेरे बस का ये नहीं है भाई, मेरी लगता मारना पड़ेगा भाई। फोर्स पालम से तेरा बाबा बना दूंगा। मुझे टेस्टलाइज करना चाहिए था, टेस्टलाइज करता तो वन टाइम में जाता भाई, मेरा टाइम थोड़ा बचता। और भाई मैंने उसको डिफीट कर दिया है क्लॉफ फेंटन भाई। तेरा ना क्लॉफ है भाई टाइटन ओके भाई। भाई इसका लुक लगता है जंगली बाबा भाई, भाई जंगली बाबा, जंगली बाबा की जय हो भैया। ये कैसे भाई सूट गया? ये क्या भाई जमीन के अंदर घुसा दी भाई सबको? व्यू डिफेंडर क्लॉफ टाइटन भाई, इसका लुक बहुत गंदा लगता है भाई मेरे को तो, इसलिए मुझे चेंज करना है। मुझे एक अच्छी लुक वाली पकवान चाहिए भाई, या अच्छे लुक वाला। हाई एक्सपी तो भाई भर भर के दिया भाई इसने। अब भाई चलते हैं अंदर, जाना है क्या हमें? मुझे लगा मैं जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा, वीडियो को एंड कर दूंगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या होने वाला है। मैं सबसे लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ, बट दिस टाइटन पकवान यस आई टू टार्ट ओके। भाई इसका बैग तो भाई बहुत बड़ा रहता है भाई। तू भाई इसी से पिकनिक करता है क्या? आई बाई समय सम हर्बा मिस्टिका क्विक लेस अप अराउंड कम बैग भाई। इसके अंदर कह रहा है कि भाई मैं बेट लगाता हूँ कि हर्बा मिस्टिका मिलेगा भाई। मैं भी बेट लगाता हूँ हर्बा मिस्टिका मिलेगा भाई। सब तो वही हर्बा मिस्टिका भाई जो खा रहा था भाई, वो पता नहीं कैसे निकाले भाई इसके अंदर से। उसका हाथ कितना बड़ा है भाई कि भाई निकाल लिया इसके अंदर से। नो वे, देखते भाई क्या है भाई। इतना अंदर था इसका हाथ कैसे पहुंच गया? मैं सोच रहा हूँ भाई उसके अंदर तो उसको घुसना चाहिए। मजाक चल रहा है क्या भाई? दोस्तों तो हर्बा मिस्टिका से लास्टली भाई, एक हर्बा मिस्टिका है, यू आर मैन स्वीट हर्बा मिस्टिका। इसको मेरे को भाई, मुझे हर्बा मिस्टिका मिल चुका है। नाउ दैट लेट्स सी व्हाट इज द बुक। स्वीट हर्बा मिस्टिका इज गुड हेल्दी स्टमच स्टमुलेट भाई, हम लोग को हेल्दी होता है और ये बहुत अच्छा काम करता है, हमारे पेट वेट को साफ रखता है भाई। तो भाई अब हम लोग भाई इसके दवाई बेचने वाले भाई। हम लोग कहेंगे पोकेमोन बाबा इसे खाने से आपके पेट स्वस्थ रहेंगे, ये बाकी सी चीज़ स्वस्थ रहेंगे भाई। मुझे बैच दे रहा है टाइटन बैच भाई, वो उस बाद में एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा भाई। स्टोनी क्लिफ टाइटन का डिफेंड करने पर हमें बैच मिला भाई। हम लोग ऐसा ही कुछ सोचे हैं भाई, यहाँ पर एक सैंडविच हमें मिला भाई खाने के लिए, तो टेस्ट करते हैं भाई आगे किया करने के लिए। भाई तू आ गया भाई, तू कहाँ से आ गया कैडोन भाई? कर रहा है भाई, कहाँ से तू टपक गया भाई? सैंडविच खाने आया क्या? मॉम का तो सैंडविच खाया है अभी, खाएगा इसका स्निप स्निप। ए नो दैट नॉट यू ग्रेट ग्रेट डू वांट टू गिव सैंडविच कटा? यस मैं दूंगा भाई तेरे को भाई, तू मेरे इतना मदद करता है, हेल्प करता है, तो मैं तेरे को हेल्प नहीं कर सकता भाई तुझे खाने खिलाने के लिए भाई। कर मैं इतने मजे से बनाया, तू उसको पकवान खिलाता है गंदा लड़का। सो नो लेट टोली फाइन भाई, मुझे कोई फॉलो नहीं है, तेरे को प्रॉब्लम होगा। मेरे को तो कौन सा मेरी रियली में खाने वाला था भाई। अरे भाई भाई मेरा भाई प्रचार भाई कर दीजिएगा आप लोग भी, लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब भाई। ये क्या हो रहा है भाई? इसको किया कोड बी एबल टू डैश नाउ भाई। डैश मतलब क्या होता है सच भाई? पता नहीं क्या होता है, मुझे क्या पता है डैश नाउ मतलब। और भाई ये भाई इसका पावर था भाई हर्बा मिस्टिका से, मैं इसको खिला दिया भाई, नहीं तो मेरा भी पावर चला जाता। अच्छा वो मेरा काम बन गया ओके ओके ओके। लैंड सैंडविचेस स्टडी एवरीथिंग अप ओके भाई, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई लगता है हमारा सैंडविच खिलाना काम कार्यक्रम खत्म होता है भाई। मुझे बाय बाय कर भाई, कैसे हाथ हिला रहा है भाई इस तरह इस तरह? हाथ हिलाने से ले सीख क्या? आई लू ऑन यू।
डॉट 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 ओके दैट के द के लिए कॉस्ट इज के लिए भाई ये कह रहा है भाई किसी साहब ने झुका है भाई वहाँ पर कोई था क्या मुझे क्या पता है कौन था। तो भाई हम लोग यहाँ पर केव के बाहर आ चुके हैं। रो रो टू 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 ये कौन है भाई रो रो टू 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 भाई इसका कॉलिंग का सिस्टम बहुत अलग है। रो रो हेलो दिस इज सादा भाई तू तो सादा एडिटर कॉर्डन सब पावर सिम टू बी एडल डैश हाई भाई मतलब कुछ ऐसा डैश मतलब ये होता है कि मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ ऐसा मुझे को लगता है। और कॉर्डन हैज डन यू रूट इज नॉट फिक्स बट ओपन इज सो पाथ टू मैप टूल सी एवरी हैंड व्हेन यू फाइंड अ क्रिएटिव प्रीवियस सो डिजायर्स ओके। तो भाई हम लोग वीडियो को एंड करते हैं हो गया हमारा।